हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज इंजीनियर्स डे है, तो आप सभी लोगों को इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल इंजीनियर्स। और ये बड़ा ही स्पेशल हमारी फीलिंग होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर्स ही एक ऐसा जोन है, जितना लोग भी ग्रेजुएशन करते हैं अलग अलग फील्ड के, बट इंजीनियर्स ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो आज एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट्स है वो हर फील्ड में है, ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जहाँ पे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं है। एक ही फील्ड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे जैसे मेडिकल है तो इंजीनियरिंग करने के बाद वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता, अदरवाइज तो मैक्सिमम हर जगह पे है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, चाहे फिर वो छोटे मोटे काम बोले जाए, चाहे बड़े काम बोला जाए, चाहे रिसर्च की बात की जाए, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी की बात की जाए, चाहे कोडिंग की बात की जाए, चाहे कुछ क्रिएट करना है, चाहे रोबोटिक्स की बात की जाए, चाहे आजकल तो लोग MBA करने के बाद फिर इतना सारा कंसल्टेंसी वगैरह को देखते हैं। इवन वो कई लोग तो इंजीनियरिंग करने के बाद CA वाले साइड में भी चले जाते हैं। तो इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, तो ये सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ है। हाँ, हमारे लिए चीज़ें बड़ी फिक्स नहीं होती, इसलिए कभी कभी जॉब को लेके हम थोड़ा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं है। तो इंजीनियर्स के केस में एक चीज़ है कि हमारे लिए कुछ सियोरिटी नहीं है कि आपके लिए इतनी सियोरिटी, जैसे डॉक्टर के लिए सियोरिटी है या CA वालों के लिए सियोरिटी है, हमारे लिए कुछ सियोरिटी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आपके लिए सब कुछ फिक्स है, अब आपको इतनी जॉब मिलेगी, इतने पैसे की जॉब मिलेगी। हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत इसलिए अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत डिफरेंस है। एक गरीब इंजीनियर जो है वो जॉब के लिए भटक रहा है, उसके पास 5,000 की जॉब नहीं है, और एक अमीर इंजीनियर ऐसा भी है जो करोड़ों की जॉब भी कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे डॉक्टर के केस में नहीं होता है, डॉक्टर ग्रेजुएशन अगर किया है तो उनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है, बट हमारे इंजीनियरिंग में, हमारे जो इंजीनियर्स बनते हैं उसके बीच में होता है। तो मेरे को लगता है कि सब कुछ किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि एक इंजीनियर स्टूडेंट अपने आप को कैसे इम्प्रूव करता है, अपने पे कितना काम करता है। क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँगा फिर लोग बाहर खड़े होंगे मेरे को जॉब देने के लिए या मेरी रिक्वायरमेंट होगी। हमको अपने खुद की रिक्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो पूरी दुनिया हमारी है, अगर हम चाहे तो अपने आप को बहुत बेटर बना सकते हैं, हम चाहे तो कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में काम कर सकते हैं, इंडिया में रह के काम कर सकते हैं, इंडिया के बाहर काम कर सकते हैं। हमको लगता है कि हमको इंडिया से बाहर काम करना, इंडिया से बाहर काम कर सकते हैं, इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट हमको थोड़ा सा उस तरीके से जाना पड़ता है। जैसे हमको पता है कि अगर हमको बहुत अच्छे आगे अगर बढ़ना है तो इंजीनियरिंग करने के बाद लोग MTech करना चाहते हैं, MTech करते इंजीनियरिंग करने के बाद लोग UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, इतने सारे इंजीनियर्स लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, तो वो लोग भी क्रैक कर लेते हैं। तो बहुत जगह पे, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे UPSC हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हर फील्ड में। तो इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट्स है वो हर फील्ड में जा सकता है। अच्छा, कई बात यही बात हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं वो लोग अपने अपना डायरेक्शन खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है। कभी कभी कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से डिसाइड नहीं करते। उनको वो चीज़ पसंद है कि चीज़ें फिक्स हो, कि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट है, फिर इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है, जबकि इंजीनियरिंग में कोई प्रोसेस नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी हाइट तक जा सकते हो। अब बात यह आती है कि अभी इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे लोग अभी मानते हैं कि इतना एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोगों को जॉब उतनी आराम से मिलती नहीं है, तो लोग एक नॉर्मल जॉब पे इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, 10,000-12,000 की जॉब भी इतने सारे लोग अप्लाई करके रखते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके 4 ईयर्स जब आप इंजीनियरिंग करते हो, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको समझना जरूरी होगा ना। आप कभी कभी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि करोड़ों का पैकेज ऐसा दिखेगा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास, बट सेम टाइम पे ऐसे लाखों इंजीनियर्स होंगे जिनके पास 10,000 या 15,000 की जॉब नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा गैप है हमारे सोसाइटी में इंजीनियर्स को लेके। और क्या है, ज़्यादातर लोग वो दिखते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, ज़्यादातर वो लोग दिखते हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, तो वो ज़्यादातर लोग दिखते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग को लेके थोड़ा सा नेगेटिविटी स्प्रेड हो गया है हमारे सोसाइटी में, जबकि ऐसा है नहीं। बस ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ बहुत लगता है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है इस वाले में, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे लाइक कि जब इंजीनियरिंग का क्रेज बढ़ रहा था, जब इंजीनियर्स लोगों की जब रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, तो इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हो गए, क्योंकि वो थोड़ा हमारे यहाँ पे इमोशन काम करता है। तो लोगों को दिखा कि यार इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, तो इतने सारे कॉलेजेस वाले लोग अपने नंबर ऑफ सीट बढ़ा लिए, कॉलेजेस ओपन कर लिए, कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति कॉलेज ओपन कर लिए। इस चक्कर में ये हुआ कि वो जो ब्रांड था, इंजीनियरिंग जो ब्रांड था, उस वो बहुत बहुत हार्म हुआ।
वही चीज़ अभी मेडिकल में होने जा रही है। अभी आप अगले 5-7 सालों में देखोगे, 10 सालों में देखोगे, तो जो मेडिकल का जो ब्रांड है वो भी हार्म होने वाला है। एरे गेरे को अब मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिल जा रही है, तो नॉर्म्स जो है बहुत डाइल्यूट कर दिए, नॉर्म्स इतने टफ रखे नहीं, जबकि रखना चाहिए टफ, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज का। बट ठीक है, इट्स ओके। अब जो भी सोच होगी, गवर्नमेंट की सोच होगी या फिर जो बिग इंस्टीट्यूट है उनकी जो सोच होगी, इट्स ओके। बट हमारा काम क्या है ऐसे इंजीनियर की, हम अपने लिए प्लान करें हमेशा। हो सकता है ये इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई होगी या होने वाली होगी, तो उनके पास तो अभी इंजीनियरिंग के जो 4 साल है वो बचे नहीं है। जिनके पास टाइम बचा है उनको अपने पे काम करना चाहिए, उनको जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए कि उनको ज़िंदगी में कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं टेक्निकल फील्ड के लिए अच्छा हूँ, क्या मेरे को अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप उस डायरेक्शन में मत भागो जहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन तो ऐसे हर जगह, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ कॉम्पिटिशन ना हो। तो आप ये देखो कि आप किस में बेस्ट कर सकते हो, आप में पोटेंशियल किस जगह पे। कभी कभी हमको अपना पोटेंशियल जानने में भी टाइम लगता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कोई नहीं बता सकता। मतलब ऐसा कुछ ऐसा कंसल्टेंसी नहीं है कि कोई आपको आपका पोटेंशियल बता सके, ये आपको करना पड़ेगा। और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो ये चीज़ तो अपने आप को चेक करना ही पड़ेगा कि मेरा पोटेंशियल कहाँ पर, मैं कहाँ पर बेटर कर सकता हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट करते चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको क्लिक नहीं करती है चीज़ें कि मेरे को क्या करना चाहिए, ये भी सही बात है कि कभी कभी क्लिक नहीं करती है। हम एक काम किए उसमें फेलियर हो गए, उसको छोड़े दूसरा काम किए उसमें फेलियर हो गए, फिर हम तीसरा काम किए उसमें फेलियर हो गए, तो हम कई बार मोटिवेशन गिर जाता है पूरा का पूरा कि यार हम क्या करें, हर काम में तो फेलियर हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, ऐसा ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी काम करें अपना बेस्ट ट्राई करें, उसमें आप फेलियर हो गए, उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, उसका इशू नहीं है। लेकिन हर बार जिस भी टाइम पे आप खड़े हो, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी मोमेंट को आप जी रहे हो, उस मोमेंट को बेटर करने का ट्राई करना चाहिए। अगर ये पूरा प्रोसेस आपका बेटर होगा ना, तो चीज़ें अपने आप आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं आएगी, चीज़ें आएगी। जब आप अपना बेस्ट एफर्ट देते जाते हो तो आप में इम्प्रूवमेंट होता है। पता नहीं चल पाता जब तक कि जॉब नहीं लगती, तब तक तो ये बात पता भी नहीं चल पाती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। तो आप हमेशा अपने आप पे फोकस करें, इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए आप में। आप जैसे पहले थे वो बेटर होना चाहिए, जो आज हो आप कल बेटर होना चाहिए। अपने पे काम करते रहो। मतलब अभी का जो टाइम है, मेरे को पता है कि बहुत सारा टाइम आपका मोबाइल के साथ जाता है, बहुत सारा टाइम आपका फेसबुक, बहुत सारा टाइम आपका इंस्टाग्राम, आजकल तो फिर आप एक्स पे भी रहते होंगे, मतलब ट्विटर पे भी रहते होंगे। वहाँ पे आप नहीं लिखते होंगे कुछ, लेकिन ज़रूर रीड करते होंगे कोई क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स वाली बातों को सुनते होंगे, कोई इशू नहीं है थोड़ा बहुत देखने में, लेकिन ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। किसी भी चीज़ का एक्सेस हो जाएगा ना, तो अगर ये एक्सेस बहुत ज़्यादा अगर हो गया आपके पास किसी भी चीज़ का, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा और फिर आप फिर कुछ बचेगा नहीं ज़िंदगी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। जब आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाए तब आप करो। ट्विटर बहुत देखो आप, इंस्टाग्राम पे बहुत देखो, लोगों की वीडियो देखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक अपने टाइम की बहुत वैल्यू करो। देखो इंजीनियरिंग, मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे में जो सबसे स्ट्रांग फीलिंग है वो सिर्फ इसी बात को लेके है कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अगर मेरे को जैसे सब्जेक्ट को कोई रेडी करना है या कोई सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग में हम जब 4 साल पढ़ते थे, हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़े जिसका कुछ नहीं पता था, ए से लेके जेड तक कुछ नहीं पता था, ना आगे का ना पीछे का। बट हम जब वो 6-7 दिन जब पढ़ते हैं, जिस पोटेंशियल से पढ़ते, जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ते, हम इतनी टफ चीज़ों को आसान कर लेते। इसका मतलब है कि धीरे धीरे हमको पता नहीं चलता है, हमारे इनबिल्ड हमारे पास एक पावर आती जाती है। वो पावर ये है कि हम किसी टफ चीज़ों को भी अगर बैठे ना अगर 2-4 दिन, तो हम उसमें से निकाल लेंगे चीज़ें। ये हमको पता नहीं चल पाता, लेकिन हमारे पास इंजीनियरिंग करते करते पावर आ जाती है। तो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट के पास एक पावर आ जाती है, स्लोली आती है लेकिन आ जाती है। अच्छा, उस पावर को बहुत कम यूज करता है, ये एक अलग बात है कि इस पावर को वो हमेशा यूज नहीं करता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये पावर उसके पास में। मेरा प्लस पॉइंट है कि मेरे को पता है कि वो पावर मेरे पास में, मतलब इंजीनियरिंग वाली पावर। तो मैं किसी सब्जेक्ट को जब रेडी करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जब मैं पागलों समान अगर 2-4 दिन किसी टॉपिक के पीछे पड़ जाऊँगा, किसी कंटेंट पे अगर मैं फोकस करूँगा, किसी टॉपिक किसी चैप्टर पे फोकस करूँगा, तो 2-4 दिन बाद उसको ईजी होना ही होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा कि ईजी नहीं होगा। तो मैं इस बात पे बहुत बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट इतने पढ़ा पाता हूँ। अगर मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाता। तो मैं इसलिए ऐसा कर पाता हूँ कि मैं आईटी बैकग्राउंड से होके, आईटी इंजीनियर होके, मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैथ्स सब कुछ पढ़ाता हूँ। तो कैसे, मतलब सिर्फ इस बात पे कि एक इंजीनियरिंग की जो फीलिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, मेरी है।
मेरी है, स्लोली आई लेकिन वो मेरी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, अगर वो सोच ले कि जो उसके जोन की बात है, जो उसकी एबिलिटी की बात है। तो हमारा किसी कोर्स को लेके स्टडी कर पाना ये बड़ा आसान है, अगर हम बहुत अच्छे से अगर हम सोच ले कि हमको करना है, हमको कोई जॉब अगर करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना है, किसी रिसर्च में जाना है, हमको किसी कोडिंग में जाना है, ये कुछ भी टफ नहीं है, ये क्योंकि हमारे जोन की बात है। अब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात करूँगा तो वो हमारे जोन की बात नहीं, वो टफ हो सकता है, लेकिन जो हमारे जोन की बात है वो इतनी टफ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा पागलपन जो है अंदर, एक इंजीनियरिंग करते करते आ जाता है, हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, तो उसको बस बाहर निकालने की देरी है। आप देखो ना, कभी एक महीने के लिए आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और पूरे तरीके से फोकस कर डालो, एक महीने बाद अपने आप को आप डिफरेंट फील करोगे, और यकीनन करोगे आप ऐसा। हो सकता है बहुत ट्राई नहीं करते होंगे, लेकिन ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा सुपर बिल्डर, मतलब आपका जो सुपर पावर है। एक अभी एक मूवी आई है स्त्री 2, पहले स्त्री 1 आई थी, अभी उसका सेकेंड पार्ट आया स्त्री 2। तो वो आप जिसमें हीरो हैं, तो जो हीरो है वो हीरो को लगता है कि बहुत नॉर्मल है, तो वो हीरो का जो पार्ट है ना वही आप हो, जो हीरो है वही आप हो, क्या राजकुमार राव वाला, कि उसको लगता है कि वो क्या ही कर सकता है, एक नॉर्मल तो व्यक्ति है, लेकिन वो रक्षक है ना उस जगह का वो रक्षक है, तो उसके पास वो पावर है लेकिन उसको नहीं पता है। वैसे एक इंजीनियर्स के पास अपनी पावर होती है, बट बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और बहुत ही कम लोग इसलिए इंजीनियरिंग करने के बाद अपने आप को बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि सबको नहीं पता होता है। तो आप मान लो कि आप हो, एटलीस्ट अपने खुद के रक्षक तो हो, अपनी पावर को पहचानो और सही तरीके से उसको यूटिलाइज करो, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वंस अगेन हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल इंजीनियर्स, थैंक यू।